वेलकम स्टूडेंट्स तो आज हम कंप्लेक्स एनालिसिस में कोची रैमन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जिसका आपको प्रूफ आता है एग्जाम में तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो देखिए क्या है सपोज दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी ऑफ एक्स को वाई हमारे पास कोई भी एक कंप्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड हमारे पास कोई भी एक कंप्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है जिसका हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में उसको सेपरेट किया हुआ है उसके बाद वो कह रहा है कि अगर इस फंक्शन का किसी पॉइंट जेड नोट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है डेट इज एफ डैश जेड इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है देन द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड वी एट एक्स नोट एंड वाई नोट देन उसके बाद वो हमको प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है कि जो इसके यू एंड वी के जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होंगे वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे डैट इज यू एक्स किसके इक्वल होगा वी वाई के एंड यू वाई हमारा किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ वी एक्स के एंड मोर ओवर जो हमारे पास ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होगा एट पॉइंट जेड नोट पे वो किसके इक्वल होगा यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स और वी वाई माइनस आइटा ऑफ यू वाई हमको ये जो कंडीशन हैं वो हमको प्रूफ करनी है अब ठीक है तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है तो देखिए सबसे पहले हमको ये गिवन है कि जो ये फंक्शन है वो एट जेड नोट पॉइंट पे डिफ्रेंशिएबल है तो बाई यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरीवेटिव एट पॉइंट जेड नॉट हम क्या कहेंगे कि जो f डैश जेड नोट होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा एफ फोफ जेड नॉट प्लस डेल्टा z माइनस एफ फोफ जेड नॉट अपॉन डेल्टा z और लिमिट क्या होगी हमारे पास डेल्टा जेड अप्रोचिस टू जीरो तो अब हम क्या करेंगे देखिए जो ये फंक्शन है हमको एफ जेड वो हमको यू एंड वी में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे इस लिमिट को यू और वी में चेंज कर लेंगे अब हमको ये गिवन है कि जो जेड नॉट पॉइंट है वो क्या है हमारे पास एक्स नॉट प्लस आईटा वाई नॉट और हम डेल्टा जेड सपोज कर लेंगे वो किसके इक्वल होगा डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई अब उसके बाद देखिए हम इस लिमिट को इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखिए डेल्टा जेड अप्रोच कर रहा है जीरो पे और डेल्टा जेड क्या है हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई तो जो ये लिमिट होगी वो हमारे पास डेल्टा एक्स अप्रोचिस टू ज़ीरो एंड डेल्टा वाई अप्रोचिस टू ज़ीरो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी अब हमको एफ ऑफ जेड नॉट प्लस ये गिवन है तो जेड नोट पॉइंट को हम एक्स नाट प्लस आयोटा वाई नोट में कन्वर्ट करेंगे और डेल्टा जेड को हम डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई में लिखेंगे इसी तरह से माइनस ऑफ एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट में लिखेंगे एंड डेल्टा जेड को हम डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई में इसको कन्वर्ट करेंगे अब उसके बाद हम इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई और ये हमारे पास बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा ओके okay. तो अब हम क्या करेंगे हमको जो एफ ऑफ z फंक्शन है उसको हमको यू और वी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये हमारे पास सब बन जाएगा डेल्टा एक्स अप्रोचिस टू जीरो एंड डेल्टा वाई अप्रोचिस टू जीरो में ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा देखिए ये पूरा का पूरा हमारा एक तरह हम इसको एक्स की तरह ट्रीट करेंगे और ये पूरा का पूरा वाई का तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा यू ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स प्लस वी ऑफ एक्स नॉट प्लस आ जाएगा हमारे पास आयोटा वी ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई तो ये पोर्शन हमारा इसके इक्वल आ जाएगा एंड माइनस अब एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आयटा वाई नॉट आ जाएगा हमारे पास यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट माइनस आयोटा वी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एंड अपॉन में हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा तो देखिए अब हमारे पास इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है एट एक्स नॉट एंड वाई नॉट पे और एज यूजुअल हम फिर क्या करेंगे इसकी लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है अगर उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस भी एग्जिस्ट करेगी तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे यहां से इसकी लिमिट को निकालेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस तो जब हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास जो डेल्टा वाई है वो क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि वाई में तो चेंज होगा नहीं तो जब हम पैरल टू एक्सेसिस इसकी लिमिट निकालेंगे तो एफ डैश जेड नॉट हमारे पास ये लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी देखिए डेल्टा वाई ज़ीरो तो जो ये लिमिट है हमारे पास डेल्टा एक्स प्रोचिस टू ज़ीरो एंड यहाँ पे डेल्टा वाई हम जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो कुछ इस तरह का हमको मिलेगा माइनस यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट एंड माइनस आल्टा में हमारे पास ये डेल्टा एक्स आ जाएगा तो अब देखिए हम आ, इनको और आइटा वाले को अलग अलग सेपरेट आउट कर लेंगे तो अब देखिए हमारे पास क्या मिलेगा हमको एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई नॉट माइनस यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एंड प्लस लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचिस टू जीरो और अब हम ये आइटा वाले सेपरेट आउट कर लेंगे यहां पर आइटा वी ऑफ एक्स नॉट प्लस यहां पर डेल्टा एक्स आएगा माइनस वी ऑफ एक्स नॉट और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स बट ये क्या बना हमारे पास ये तो हमारे पास यू का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा हमारा यू एक्स प्लस आयोटा और ये पोर्शन है हमारे पास वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास यू वाई के तो डेट मींस यहां से हमारे पास एफ डैश जो जेड नोट है वो किसके इक्वल आ जाएगा यू एक्स प्लस आयोटा वी वाई के सॉरी यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा वी एक्स क्योंकि ये वी का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू एक्स और हम इसको इक्वेशन नंबर वन मार्क कर लेते हैं अब हमने इसकी लिमिट अलोंग पैरल टू एक्स एक्सिस फाइंड आउट की थी तो अब इसकी लिमिट हम कैसे निकालेंगे पैरल टू वाई एक्सिस अगर हम पैरल टू वाई एक्सिस इस पॉइंट के लॉन्ग अप्रोच करेंगे तो हमारा डेल्टा एक्स ज़ीरो होगा इस केस में तो यहाँ से हमारे पास एफ़ डैश जेड किसके किसकेक्वल आएगा देखिए अब हम यहाँ पर डेल्टा एक्स को ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये लिमिट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी क्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई प्लस आई ऑटा वी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई ये हमारा एज इट इज आ जाएगा एंड अपॉन में हमारे पास क्या आएगा आयोटा डेल्टा वाई फाइन अब बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी लिमिट्स को सेपरेट आउट कर लेंगे तो हमारे को मिलेगा यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई और इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं एंड अपोन में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई फाइन एंड यहां पर हमारे पास अब आयोटा लिमिट ऑफ डेल्टा वाई प्रोचिस टू जीरो वी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई एंड यहां पर माइनस वी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नोट एंड अपॉन में हमारे पास आ जाएगा आयोटा डेल्टा वाई अब उसी तरह से ये वाई में चेंज हो रहा है और लिमिट भी हमारे पास डेल्टा वाई प्रोचिस टू जीरो है तो ये बन जाएगी हमारे पास यू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और नीचे जो ये हमारे पास आयोटा है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे इसको हम दिस साइड लिखते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास वन अपॉन आयोटा इन टू यू आई प्लस आयोटा और ये बन जाएगा हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव वीवाई अपॉन आयोटा ये आयोटा से आइटा हमारा कैंसिल हो जाएगा और वनपूर्न आइटा हमारा किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा यू वाई प्लस वी वाई तो इस केस में हमारे पास जो एफ डैश जेड नोट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा वी वाई माइनस आयोटा यू वाई तो अब देखिए हमारे पास फर्स्ट केस में जो एफ डैश जेड नोट था वो हमारे पास इक्वल टू आया था यू एक्स प्लस आयोटा वी वाई और जब हमने इसकी लिमिट को फाइंड आउट किया पैरेलल टू वाई एक्सिस तो हमारे पास f डैश z नोट आया इसके इक्वल तो अब देखिए उसका जो डेरिवेटिव होगा एक पॉइंट पे वो तो यूनिक ही होगा अगर हम अलोंग एक्स एस निकालें या वाई एक्सिस निकालें रहेगा तो वो सेम ही तो दैट मींस अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा इक्वल दैट इज यू एक्स प्लस आयोटा वी वाई किसके इक्वल होगा वी वाई माइनस आयोटा वाई के और अब हम क्या करेंगे इनके रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो यहां से यू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास वी वाई एंड वी वाई इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ वाई के और यू यूवाई इक्वल टू माइनस ऑफ तो यहां से हमारे पास यू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा वी वाई के एंड वी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ यू वाई डेट मीन्स यू वाई इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ Vx के फाइन तो देखिए ये ये हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी और इन्हीं कंडीशन को हम क्या बोलते हैं सी आर इज कोची रेमन इक्वेशंस और एफ डैश जेड नॉट हमने ऑलरेडी ये प्रूव कर दी है कि वो इसके इक्वल होगा तो ये यहां पर हमारा जो प्रूफ है इसका वो कंप्लीट होता है तो डैट मीन्स अब यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि जब भी हमारे पास कोई भी एक फंक्शन होगा एफ जेड अगर वो किसी पॉइंट पे डिफ्रेंशियबल है वो किसी भी एक पॉइंट पे डिफ्रेंशियबल है तो क्या कंडीशन होगी हम क्या करेंगे कि उस फंक्शन को सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे और उस पॉइंट पे यू एक्स ज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स ये अप्लाई करेंगे ठीक है तो जिन जिन पॉइंट हमारे पास वैलिड होंगी तो फंक्शन सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे डिफ्रेंशियबल हो सकता है देखिए अगर यह कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करती है तब हम यह नहीं कह सकते कि फंक्शन उन पॉइंट पे हमेशा डिफ्रेंशियबल होगा ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है कि अगर फंक्शन डिफ्रेंशियबल है तो उसको ये वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा बट अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो यहाँ से हम ये इम्प्लाई नहीं कर पाएंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफ्रेंशियबल भी होगा फाइन और इसकी जो काउंटर एग्जाम्पल्स हैं वो हम हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में वो करेंगे ओके okay? तो ये हमारा यहाँ तक इसका प्रूफ कंप्लीट हो चुका है और इसके जितने भी आपको नोट्स हैं वो आपको हमारी ये वेबसाइट है इस पर आपको मिल जाएंगे